असलम पाकिस्तान में अगर मजमू तौर पर देखा जाए तो हम इकतदी मुश्किल में क्यों फंसते हैं तो एक बुनियादी वजह एक तो हम डॉलर की शॉर्टेज़ की वजह से हमारे यहाँ बहुत मसाइल रहते हैं उसके ऊपर भी अभी तस्कर करता हूँ लेकिन असल एक बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ अच्छे टैक्सेस नहीं इकट्ठे हो पाते जिन लोगों को टैक्स देना चाहिए जो सब हैसीत लोग हैं लोग हैं वो अपनी आमदन से मुताबिक टैक्स नहीं देते बड़े बड़े बंगलों में भी महल्ल में भी कैम्पजी होंगे सैकड़ों एकड़ ज़रिए ज़मीन के भी मालिक होंगे मिलने फैक्ट्रियाँ भी चल रही होंगी चार चार गाड़ियाँ भी खड़ी होंगी बच्चे गैर मुल्की स्कूलों में भी पढ़ रहे होंगे लेकिन इनकम टैक्स के नंबर देखेंगे तो मुझे वो अपने दफ्तर में कैमरा मैन और ऑफिस बॉय से भी ज़्यादा गरीब बदहाल लोग नजर आते हैं कि इनकम टैक्स तो बेचारे दे ही नहीं सकते हमारे पार्लिमेंट में से भी बहुत सारी अक्सरीत जो है उसी कैटेगरी में फॉल करती है बल्कि मैं अगर ये गलत बयानी नहीं होगी अगर ये कहूँ कि ज़्यादातर लोगों के जो इनकम टैक्स के नंबर हैं उनके लाइफ स्टाइल से मैच नहीं करते तो जब आप कहते हैं लोगों को कि आप टैक्स दें हम इस्लामी तलीमत की रियासत मदीना के लेक्चर्स भी देते हैं तो सबसे पहले आगाज़ इन पार्लिमेंटेरियंस की टैक्स रिटर्न के ऑडिट्स होना चाहिए मुझे याद है कि किसी ज़माने में असद उमर अपनी अभी उनकी हुकूमत नहीं थी आई तो मैं उनसे कहा करता था कि ये जो पार्लमेंटेरियंस हैं इनका कंपलसरी टैक्स ऑडिट होना चाहिए जब ये लोग ईमानदारी से टैक्स अदा करेंगे तो फिर ये सबसे टैक्स ले, ले लेंगे मेरे से भी ले लेंगे वो जनरल से भी ले लेंगे जज से भी ले लेंगे फिर वो जो कहते हैं ना इस्टेबलिशमेंट बड़ी तगड़ी है उसको काबू भी कर लेंगे लेकिन पहले ईमानदारी से टैक्स देंगे तो तब ना इखलाकी तौर पर उस पेडस्टल पे पहुंचेंगे तो तब ना किसी को सवाल कर सकेंगे अगर वो टैक्स ही नहीं आप देंगे तो इनके दो वजी बुजाए ख़जाना थे मैंने किसी ज़माने में उनकी टैक्स रिटर्न भी रिपोर्ट की थी वो एक साहब तो टैक्स पाकिस्तान में भरते ही नहीं थे वो दुबई के आम पजीर होते हैं पाकिस्तान आए वजारत ख़ाना मिली फिर दुबई चले गए और दूसरे साहब की टैक्स रिटर्न का हाल ये था कि जीरो पचास पाँच हज़ार आठ हज़ार और बीस हज़ार रुपये इनकम टैक्स और एज़ एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन वो टैक्स अदा करते थे अब दोबारा इनकम टैक्स डायरेक्टरी जारी की गई है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के दौर हुकूमत में टैक्स डायरेक्टरी जारी होने वाली दूसरी नंबर पर आई है एक पहले आई थी वो पिछ पहले फिजकल ईयर्स की थी जिसमें पी एम एल एन का दौरे हुकूमत था फिर केयर टेकर्स गए। ये फुल फर्स्ट टर्म है जो पी एम एल ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ की है तखीर से जारी की गई है ताखीर से जारी नहीं करनी चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए मुख्त लोग हैं एम एन एज़ हैं एम पी एज़ हैं वज़रा है, हैं वज़रा हैं वफाकी वज़ी हैं प्राइम मिनिस्टर हैं चीफ मिनिस्टर्स हैं ये टैक्स कितना देते हैं लोगों को सच्चाई पता चलेगी तो आपको देखेंगे ना एक हल्के के अंदर मेरे से तो कुछ छुप सकता है लेकिन जिस हल्के का कोई एम एन है उसका लाइफ स्टाइल वहाँ से नहीं छुप सकता लोगों को एक एक शख्स के पूरे इलाके के लोगों को पता होता है कि इसके इतने पेट्रोल पम्प हैं इतनी इसकी मिलें इतनी इसकी जायदाद है इतने इसके घर हैं इतनी इसकी ये मालीयत इतनी टोटल एसेट वैल्यू इतनी और इतनी इसकी आमदन है आप झूठ बोलेंगे तो आप कह तो आपके इलाके के लोगों को आपका झूठ पकड़ा जाएगा अब आज जो टैक्स डायरेक्टरी जारी की है शौकत तरीन साहब ने उसके कुछ नंबर्स आपके सामने रखूँ तो वज़ी अजम साहब ने अठानवे लाख चौवन हज़ार नौ सौ उनसठ रुपये इनकम टैक्स दिया और अगर मैं मिस्टेक ना करूँ तो परहैप्स मेरी याददाश्त में ये प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान का शायद अगर मैं मिस्टेक ना करूँ तो हो सकता है कि उनका पूरी ज़िंदगी में दिया गया सबसे ज़्यादा टैक्स यही हो मैं पहले इनकी जितनी टैक्स रिटर्न रिपोर्ट की हैं कभी मुझे याद नहीं पड़ता कि 9.8 मिलियन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एज अपोजिशन लीडर कभी भी मेरे जेहन में नहीं है कि 9.8 मिलियन इनकम टैक्स अदा कभी किया हो ये मेरे लिए काफ़ी बड़ा सवाल है कि प्राइम मिनिस्टर की ज़ारत उमा के पहले साल में 9.8 मिलियन इनकम टैक्स इसके लिए आमदन उनकी चार करोड़ से ज़्यादा है अदा किया उन्होंने तो इनकम टैक्स रिटर्न पब्लिक होती इनकी तो बहुत अच्छा होता प्राइम मिनिस्टर बहुत ट्रांसपेरेंट आदमी है मैं उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा लेकिन मेरी ये दिली ख्वाहिश होगी कि अपनी टैक्स रिटर्न प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो वेबसाइट है या ऑफिशियल हमारा जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर पब्लिक करें जैसे अमरीकी सदर की टैक्स रिटर्न पब्लिक की जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी अपनी टैक्स रिटर्न पब्लिक करें अपोजिशन लीडर्स की भी करें और अपनी कैबिनेट की भी करें जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं उनकी टैक्स रिटर्न नेशनल असम्बली की वेबसाइट के ऊपर पड़ी होनी चाहिए ताकि उनके इलाके के लोग जान सकें कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर की हैं और क्या क्या चीज़ें छुपाई हैं वजीर अज़म इमरान खान अट्ठा नाइनटी एट लैख फिफ्टी फोर थाउज़ेंड नाइन पॉइंट एट मिलियन से ज़्यादा ऑलमोस्ट तो एक करोड़ रुपये के करीब पहुँच गए इसके साथ ही वज़ी अला पंजाब उस्मान बजदार जिनके मतलब उनकी अच्छी कारकर्दगी या गवर्नेस के ऊपर बहुत ही थोड़े लफ्ज़ हैं कहने के लिए लेकिन उनके इनकम टैक्स का नंबर देख कर आपको और भी ज़्यादा हैरानी और परेशानी होगी एक कसर अमाउंट दो हज़ार रुपये दो हज़ार रुपये मबलग इनकम टैक्स अदा किया मैंने वज़ी अल खैबर महमूद खान छियासठ हज़ार रुपये स्पीकर कौमी असम्बली पाँच लाख पचपन हज़ार असर कैसर साहब यहाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है मैं ज़िंदगी सारी में कभी किसी ने मेरे खिलाफ शायद इतनी बेहदा किस्म की कैंपेन कभी किसी ने नहीं की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो उन गुज़रा ने की जिनके मैंने इनकम टैक्स के नंबर्स एक्चुअल नंबर जैन नंबर्स रिपोर्ट किए थे उसमें एक इशू है एसोसिएशन ऑफ पर्सनस का एसोसीशन ऑफ पर्सनस एज ए सेपरेट टैक्स ट्रीटर होता है पिछले साल जो टैक्स डायरेक्ट्री छापी गई थी लास्ट पिछले साल की तो अभी यानी बाकी है उसके अंदर हफीज़ शेख जो पी टी आई के ही वज़ी खजाना थे उस वक्त के उन्होंने नीचे एक फुट नोट छापा था कि एसोसीशन ऑफ पर्सनस का जो टैक्स अदा करते हैं आप वो इनकम टैक्स नहीं है इनकम टैक्स एक सेपरेट लाइबिलिटी है तो इनकम टैक्स सेपरेट है एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन इज़ सेपरेट है तो जिसने गले में हार डालने का बड़ा शौक़ है ना तो फिर इज्जत कमानी है तो पूरे तरीके से इज़्ज़त कमाई है फिर इनकम टैक्स अदा कीजिए तो मैं अभी आपको और बाकी बुजुराक भी बताता हूँ तो ये जो असद कैसर साहब हैं इन्होंने भी एज़ एसोसिएशन ऑफ़ पसन्स टैक्स अदा किया हो मैं उन नंबर्स को रिपोर्ट नहीं कर रहा यहाँ पर मसला यह है कि आपकी लाइबिलिटी आपकी इनकम के मुताबिक एज़ इनकम टैक्स अगर आपने अदा की हुई है तो फिर आप बताइए कि हाँ हम पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा बड़े ख़दमत गुजार है हमने इतने लाख प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं ना मैंने अठानवे लाख टैक्स दिया तो प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट लोग एक बंदा है नजीब हारून जो मुझे लगता है कि जिसने हो सकता है कि अपना जेनवन नंबर्स दिया हो चौदह करोड़ रुपये किसी और मुझे बंदा ही नहीं नज़र आया पूरे लोग देखता हो और फहरिस्त पड़ता तो लगता है एक से एक बढ़कर गरीब है इस असम्बली के अंदर बैठा हो वजी दाखिला शेख रशीद अहमद साढ़े पाँच लाख रुपये वजीर ख़ार्जा शाह महमूद कुरैशी साढ़े आठ लाख रुपये वजीर, वफाकी वजीर प्लानिंग ये असद उम्र साहब बयालीस लाख बहत्तर हज़ार रुपये वज़ी अतलात फवाद चौधरी एक लाख छत्तीस हज़ार रुपये अगर इनकी सिर्फ मैं कौमी इसम्बली से तनखाओं वाला डेटा ले लूँ और फिर ये जहाँ रहते हैं अगर उसको साथ में लूँ तो मेरा ख्याल है कि बड़ी मुश्किल नहीं होगी एफ बी आर वालों को इन सारों को नोटिस दानी चाहिए वफाकी वजीर हमाद अज़हर साहब इन्होंनेशन ऑफ पर्सन लार्ज अमाउंट दी हुई है कोई अठारह मिलियन के करीब लेकिन एज़ इनकम टैक्स उनतीस हज़ार रुपये मैं इसकी वजाहत नहीं करता बस यहीं छोड़ देता हूँ मेरे ख्याल में जिन लोगों ने जो जो कुछ माजी में बहुत कुछ सुना होगा वो इसकी वजाहत इन्हीं से पूछ सकते हैं और ये उनको वजाहत भी दे सकते हैं कि उनतीस हज़ार पे इनकम टैक्स है वफाकी वजीर मुराद सईद साहब एटी नाइन थाउज़ेंड वफाक वजी गुलाम सरवर खान बारह लाख रुपये ये ज़मीनों के कुछ सौदों की तफसीत ही जान ली जाए तो फिर पता चलेगा कि यह टैक्स कैसे बनता है शायद आसानी हो जाए हमें भी समझना वफाक वजी अली अमीन गंडापुर सिक्सटी सेवन थाउज़ेंड रुपीज़ वफाकी वजीर अली जैदी साहब दस लाख रुपए, दस लाख सैंतालीस हज़ार रुपये रताज गुल तीस हज़ार रुपये फैसल वाडा साहब आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत भी होंगे ग्यारह लाख बासठ हज़ार रुपये ये उससे पहले साल इनका ज़ीरो टैक्स था ये भी एक इंटरेस्टिंग नंबर है यार अफरीदी साहब तिरपन हज़ार आठ सौ छिहत्तर रुपये फिर इसी तरीके से उमर अयूब साहब नौ लाख सतावन हज़ार मलिका बुखारी थर्टी एट थाउजेंड ओनली बिलावल भुट्टो पाँच लाख पैंतीस हज़ार पाकिस्तान में कुछ शख्सियात ऐसी हैं जिनके मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी वसाइल के मतलब या उनकी जायदादों के मतलब तकमीनें ये हैं कि वो अरबों रुपए में नहीं अरबों डॉलर में हैं शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली उनमें है ये अनफॉर्चुनेटली इनके टैक्स के नंबर उसके कहीं करीब करीब भी नहीं है इमरान खान को तो मैं भी क्वेश्चन करता हूँ कि बनी गला में रहते हैं तीन सौ किनाल का घर है इनकी आमदन कितनी है मुझे बताएँ गुजारा कैसे करते हैं लेकिन ये लोग कैसे बताएँ शरीफ फैमिली और जरदारी फैमिली क्या इसको बताएँगे कि पाँच लाख टैक्स शहबाज शरीफ साहब इकहत्तर लाख रुपए टैक्स आसिफ जरदारी साहब बाईस लाख रुपए टैक्स अब बाईस लाख के साथ एक और सीन यह है कि इन्होंने कुछ चौदह करोड़ से ज्यादा अपनी आमदन दिखाई है तेरह करोड़ से ज्यादा वो आमदन जो है सिर्फ जरिए आमदन में ही दिखा दी है और बाकी की एक के एक करोड़ के ऊपर बाईस लाख रुपये टैक्स दिखाया हुआ है अगर ये हमारे एफ बी आर के चेयरमैन आज वहाँ मौजूद थे जब ये पार्लियामेंटेरियंस की टैक्स डायरेक्टली छप रही थी शौकत त्रीन साहब वहाँ मौजूद थे तो कैसे इन नंबर्स को जस्टिफाई करते हुए आंखें बंद करके सारे गए यूसफ रज़ा गिलानी साहब हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं पढ़े लिखे आदमी हैं ज़िम्मेदार आदमी हैं आदमी है, है, है। टैक्स का खाना खाली है ज़रिया आमदन दिखाई हुई है कैसे उनसे पूछें वो जो सूट वूट पहनते हैं एक सूट की मालीयत उनकी जो है ना उसके हमारे पूरे दफ्तर की तनख्वाह निकल आएगी और तो भाई कुछ तो खुदा का खौफ खाएँ इनके जब आप नंबर रिपोर्ट करते हैं तो बाकी दुनिया को टैक्स के नोटिस जा सकते हैं इनको नहीं जा सकते और थोड़ा सा कंपैरिजन आपको देता हूं इनका हमने एक और जो सवाल जो अभी इमरान ख़ान की प्राइम मिनिस्टर की टैक्स रिटर्न देख के हमारे सामने नजर आया कि ये पहले सालों में कितना टैक्स देते थे तो 2019-18-19 का साल है पाकिस्तान इंसाफ की पहली हुकूमत प्राइम मिनिस्टर दे रहे हैं 9.8 मिलियन टैक्स उससे एक साल पहले ये दे रहे हैं ये दो लाख बयासी हज़ार चार सौ उनचास रुपये टैक्स है प्राइम मिनिस्टर का सिर्फ़ एक ही साल पहले दो लाख बयासी हज़ार चार सौ उनचास रुपये एक ही साल के अंदर ही क्या काया पलटी कि ये दो लाख से अठानवे लाख पर पहुँचे आई एम रियली इंटरेस्टेड मेरा ख्याल है जनरली इनका कोई सोर्स ऑफ इनकम ऐसा होगा हो सकता है किसी एसेट से वैल्यूशन से ऐसे वसाइल दस्तियाब हुए हैं लेकिन इसकी वजाहत आनी चाहिए दो हज़ार सत्रह में जो इन्होंने टैक्स अदा किया हुआ है एक लाख तीन हज़ार और सात सौ तिरसठ रुपये और ये नंबर भी बहुत थोड़ा नंबर है एक लाख दो लाख बयासी हज़ार और फिर एकदम नाइन्टी एट लाख बहुत लार्ज जंप है हमाद अज़र साहब ये 2018 वाले जो टैक्स डायरेक्टरी का डाटा उसके मुताबिक तो ये देते हैं बाईस हज़ार चार सौ पैंतालीस रुपये इनकम टैक्स उस साल भी इन्होंने एज़ एसोसिएशन ऑफ पर्सन यकीनन लाट सम दिया होगा मेरे पास वो फिगर नहीं है लेकिन ये जो 2019 वाला है इसके अंदर इन्होंने एक करोड़ अस्सी लाख अठारह मिलिय से ज़्यादा का एज़ एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन दिया होगा लेकिन इनकम टैक्स इज़ ओनली ट्वेंटी नाइन थाउजेंड रुपीज़ उनतीस हज़ार पच्चीस रुपये अगर मैं पच्चीस रुपये काट लूँ उनतीस हज़ार पच्चीस रुपये उस्मान बुज़दार साहब 2018 में टैक्स ही नहीं थे देते जीरो टैक्स फाइलर है 2019 में 2000 देते हैं असद उमर साहब तिरपन लाख थे 2017-18 में 2018-19 में 42 लाख पे आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब 2017-18 में 97 लाख थे 9.7 मिलियन वो 2018-19 में बयासी लाख पे आ गए हैं मेरा नहीं ख्याल है कि ये इनके असासों की जो मालियत और इनकी फैक्ट्रियों के जो हिस्से हैं उसको अगर मैं सामने रखूं तो ये टैक्स नंबर आई एम सॉरी लेकिन ये नंबर बहुत बड़ा भी होगा बयासी लाख टैक्स का लेकिन इनके वसायल और इनका लाइफ स्टाइल इससे बहुत ऊपर का तो इसमें एफ पी आर की अगर कहीं एक बंदे के मामले में कुताही है तो इन पार्लियामेंटेरियन के मामले में कुताही है किसी एक का भी मैं नहीं कह सकता कि उसने ईमानदारी से अपना नंबर रिपोर्ट किया हुआ शहर यार अफरीदी साहब दो हज़ार अठारह में एक लाख तिरासी हज़ार नौ सौ दो हज़ार अठारह उन्नीस में तिरपन हज़ार ओनली तिरपन हज़ार आठ सौ छहत्तर पर शाहिद ख़ान अबासी जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का मैं कहता हूँ ना कि ऊपर की तरफ जंप है वो मेरी समझ में नहीं आया क्योंकि एक दम से आमदन कहाँ से आगे कहाँ से इतना बड़ा टैक्स आया उसका कुदरिया भी तो होना चाहिए शाहिद ख़ान अबासी का दो हज़ार में चौबीस करोड़ 241 मिलियन इनकम टैक्स अदा किया हुआ है और 2018-19 में वो 48 लाख पे आ जाता है ये सबस्टेंशल डिक्लाइन क्यों है इसलिए इनकी भी रिटर्न पब्लिक की जानी चाहिए ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इतना छुप के नहीं रह सकते इनको अपने सारा कुछ असासे भी और इनके भी और इनकम टैक्स जो अदा किया हुआ है उसकी तफसीत भी पब्लिक करनी चाहिए टैक्स रिटर्न इनकी पब्लिक होनी चाहिए आसिफ अली जरदारी साहब दो में हैं जी सत्रह अठारह में अट्ठाईस लाख दो अठारह उन्नीस में बाईस लाख पे आ गए अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूँ हमारे असल वोडा साहब पाकिस्तान तहरीक इन साहब से वेरी वॉम वेलकम सर और जावेद लतीस साहब में पी एम एल एन से इन्होंने भी एक साल पहले दिया था वन एटी थ्री थाउजेंड अब आ गया फोटी फाइव थाउजेंड तो मुझे इनकी भी समझ नहीं आई है मेरा ख्याल है कि इनका लाइफ स्टाइल भी और इनकी इनकम टैक्स की अदायगी मैच नहीं करते फैसल वोडा साहब पहले आपसे स्टार्ट करूँगा ये क्या वजूहत है कि आपके पार्लियामेंटेरियन साथी बड़े हमें गरीब गरीब नज़र आते हैं बीस हज़ार तीस हज़ार उनतीस हज़ार पचास हज़ार इनकम टैक्स अदा किया नदीम मलिक साहब इसका जवाब तो वो खुद ही आगे दे सकते हैं मैं तो उनके बारे में नहीं जवाब दे सकता मुझे पता है उनका क्या इनकम है सोर्स ऑफ इनकम क्या है और क्या नहीं है वो तो जवाब आप उनसे ले सकते हैं मेरा ख्याल है आप लेकिन क्या आप मेरी इस, इस बात को सपोर्ट करेंगे कि ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है ये पब्लिक की जानी चाहिए पार्लियामेंटेरियंस की नदीम मलिक साहब देखिए हमारा मसला सारा ये है कि जो बात आपने पॉइंट आउट की और जहाँ से आपने शो स्टार्ट किया है जहाँ सिस्टम के अंदर बहुत तबाही है वहाँ सिस्टम के अंदर लूप होल्स भी उतने ज़्यादा हैं तो मैं इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकता ना आपको कह सकता हूँ गलत हैं आपके केस के अंदर आपकी सैलरी एज़ ए प्रोफेशनल जो भी एक्स वाई जेड है उसके ऊपर एट सोर्स एक सैलरी कट जाती है बट जो हमारा सिस्टम है पूरे मुल्क का चाहे वो टैक्स सिस्टम हो चाहे वो ज़मीनों की वैल्यूशन हो चाहे वो गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो चाहे वो ट्रैवलिंग हो चाहे वो पार्लियामेंटेरियंस के लाइफ स्टाइल हों चाहे वो एग्रीकल्चर हो चाहे वो कोई भी शोबा ले लें आप उसमें टैक्स लॉज और टैक्स सिस्टम ऐसा बनाया गया और वो आज से नहीं बना हुआ वो पैंसठ साल से बना हुआ है या पैंतीस साल में उसको और फर्दर थर्ड क्लास या बुरा कर दिया गया है और वक्ता वक्ता एस आर ओज ला कर उसको लीगलाइज किया गया है तो मैं तो आपकी बात को आपकी बात जो आपने शुरू में कही

निज़ाब शुक्रिया मैं दो चीज़ें अर्ज करना चाहता हूँ अभी आपने दो तीन जो बातें की हैं बड़ी अहम हैं मैं। पहली बात तो आपने खुद वो पॉइंट रेज़ किया कि प्राइम मिनिस्टर आज के जो हैं वो दो हज़ार सतारह में एक लाख तीन हज़ार रुपया टैक्स देते हैं और उस वक्त उनकी आमदन भी जाहिर की गई है आज आमदन कैसे बढ़ गई प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद और अठानवे लाख टैक्स कैसे दे दिया उन्होंने दोनों चीज़ें तलब नहीं सिर्फ बल्कि उनको सबसे पहले उनकी जांच की जानी चाहिए पब्लिक के लिए लोगों के लिए और पार्लिमेंटेरियन के लिए भी मिसाल बनाया जाए कि यह कैसे हुआ दूसरे नंबर पे जो आप बात कर रहे हैं सबसे पहले तो हुती लोग जो हैं उन उनकी इन्वेस्टिगेशन इसलिए ज़रूरी है कि उनको तो दारे उनके मतहत हैं बकौल इमरान खां के जब वो कहा करते थे तो आज मैं ये कहूँगा कि वो उनकी इन्वेस्टिगेशन हो पब्लिक की जाए उनकी चीज़ें और जहाँ तक अपोजिशन के लोगों का तल्लक है एफ बी है उनको नोटिस करें मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये देखें मेरा आपने ज़िक्र किया मेरा लाइफ स्टाइल उससे मुताबकत रखता है कि नहीं मगर आप ये बताएँ कि आज के प्राइम मिनिस्टर का रहन सहन वाक़ उन्होंने उन्होंने जो टैक्स दिया है उससे मुताबकत रखता है मेरा नहीं रखता उनका रखता है अब मुझे ये बताएं वो आमदन कहाँ से आई उनका तो कोई रोज़गार नहीं है वो कोई बिजनेस नहीं करते प्राइम मिनिस्टर होते हुए उन्होंने कौन सा बिजनेस किया जिससे उनकी आमदन बढ़ गई नंबर दो ये है अब आ जाए मैं जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहता हूँ मेरी फैमिली का बिज़नेस सारा जो है हम उसमें रह कर आ, मेरे पर वो खर्च भी करते हैं मेरे इलेक्शन पर भी ये सारी चीजें मैंने आ, FBR को आ, जो है वो डिक्लेयर की हैं हैं अब आ जाएं, मेरी फैमिली के जो बीस, बीस, तीश, क्या तीश, आप साल के जो आप इस बात को सपोर्ट करते बिजनेस है कि आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स पब्लिक कर दी जाए पार्लियामेंटेरियन सारों की आप समेत इनकम टैक्स रिटर्न्स पब्लिक कर क्यों नहीं करनी चाहिए क्यों नहीं करनी चाहिए नदीम मलक साहब क्यों नहीं करनी चाहिए और मैं इस बात से ज़रूर इतफ़ाक़ करता हूँ फैसल साहब की कि हमारे टैक्स कवानी जो हैं उनमें वाक़ता चेंज आनी चाहिए असलाहत होनी चाहिए ताकि अगर कोई टैक्स देना चाहता है जिस तरह शायद इमरान ख़ान साहब टैक्स देना चाहते हों दो हज़ार सतारह में मगर हमारे टैक्स कवानी जो हैं वो इतने आग 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 साफ ना हो कि वो समझते तो हो कि मेरी आमदन जो है वो अगर मैं शो कर दूंगा तो कल को फंस जाऊंगा आज वो प्राइम मिनिस्टर होते हुए शो कर रहे हैं कि मेरी आमदन इतनी है और इतना टैक्स भी दे रहे हैं मगर मैं आपको एक कोट करना चाहता हूं मुसाल नदीम मलिक साहब मेरी फैमिली जो 20 20 30 30 साल से अपना बिजनेस डिक्लेयर करती आ रही है आज उसको बेनामी शो किया जा रहा है एफ़ बी आर में जो टैक्स भी हम देते हैं हमने सोर्स ऑफ इनकम भी बताया हुआ है हमने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि ये चीज़ें हमने कहाँ से ख़रीदी मेरी फैमिली ने आज उसको सिर्फ मुझे तंग करने के लिए सिर्फ मेरी वजह से मेरी फैमिली को आज मैं मैं कोर्ट में एक स्टे लेकर आया हूँ आप मुझे ये बताएं कि आप अदारों को एक हथियार के तौर पर जब इस्तेमाल करेंगे और यही प्राइम मिनिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं और इमरान खान साहब जिनके बारे में ये कहा जाता था और आपका भी दावा था कि यह बड़े नीट क्लीन है ये इनकी नीट क्लीनी का आलम यह है कि अठानवे लाख रुपया आप खुद टैक्स दे रहे हैं बतौर प्राइम मिनिस्टर और मुझे बेनामी में रगड़ रहे हैं जो मेरी चालीस साल पहले की चीज के मुझे अभी भी राय मैं इस पर कायम हूं कि वो कोई फिनानशियल करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है जो एक ऑनेस्ट ओपिनियन है वो मुझे देनी पड़ेगी लेकिन जो उनके वज़रा की टैक्स रिटर्न हैं वो मुझे देख के तो बहुत अफसोस हुआ है उनके नाक के नीचे बहुत सारे लोग इनकम टैक्स अक्सरीत इनकम टैक्स के नंबर दुरुस्त नहीं दे रही पार्लियामेंटेरियन सारों के नंबर्स के ऊपर मेरी आप समेत सब के ऊपर मेरे तफज़ात हैं कंपलसरी टैक्स ऑडिट होना चाहिए और इनकम टैक्स और एसट्स की रिटर्न पब्लिक करनी चाहिए फैसल वोडा साहब आप इसकी आपकी जमात हुक्मरान जमात है आप नवाज़ शरीफ के ऊपर और पी एम एल एन के ऊपर मेरे ख़्याल में राइटली उस वक्त जरदारी के ऊपर भी और नवाज़ शरीफ के ऊपर भी तनकीद करते थे तो अब तो मौका अल्लाह आपको दिया हुआ है। क्यों नहीं ख़ुद से ही इनिशिव लेते सारी चीज़ें पब्लिक करें डिक्लेयर करें देखिए नदी मलिक साहब एक तो आपकी बात बिल्कुल बचा है कि जब आपने पैंतीस साल में अकाउंटेबिलिटी इन दोनों पोलिटिकल पार्टीज़ की और नवाज़ शरीफ की नहीं की और इस्काट फ्री जाने दिया तो वहाँ सवाल निशान था और जो आप कह रहे हैं वह मेरे ख्याल से वो सब चीज़ें जो हैं उसमें तरमीम हो रही हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन है और नंबर तीन ये कि मैं आपको एक चीज़ बड़ा कैटेगोरिकली बता सकता हूँ नॉट डिनाइंग द फैक्ट के जो बातें आपने की हैं कि हमारा टैक्स रेवेन्यू रिटर्न या कलेक्शन नवाज शरीफ और जरदारी साहब के दौर से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है बाय फार है इट्स नॉट वॉट वी वॉन्ट इट्स नॉट नहीं है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप लोग डिक्लाइन कर रहे हैं टोटल कलेक्शन के अंदर ये मैं, 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 तो जीडीपी से, से।, से, से क्या है क्या नहीं है ना मुझे उसकी नॉलेज है ना उसका जवाब करेक्टली दे सकता हूँ लेकिन ये मुझे कंफर्म पता है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन इनकम टैक्स वाइज हम फार बहुत आगे हैं इसमें कोई डिनाइल नहीं और ये फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आज की डिटेल्ड मीटिंग के बाद बता रहा हूँ आपको अच्छा मैं आपको एक कुछ डेटा बता दूं मैं जब ब्रेक पे जाना है ब्रेक से वापसी पर हमको पोलिटिकल इश्यूज डिस्कस करेंगे दो एक नंबर्स हैं जो से तशवीश हैं कंटिन्यूसली फॉर लास्ट सिक्स मंथ्स आज हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब ने कुछ ट्रेड के नंबर्स पब्लिक किए हैं और उसकी डिटेल्स अभी आना बाकी हैं उन्होंने एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ का क्लेम किया है जो इन होगी हम एक्सपोर्ट्स में ऊपर जाएंगे लेकिन वरिंग फैक्टर यह है कि अगर छः माह के अंदर हमारी मजमू जो एक्सपोर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान है वह तकरीबन पंद्रह शारिया एक दो पाँच अरब डॉलर पंद्रह अरब डॉलर से ज़रा सी ज़्यादा है हमारी इसी अरस में हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो चालीस अरब डॉलर के करीब करीब है पच्चीस अरब डॉलर का ट्रेड डेफिसिट हम जुलाई से तीस दिसंबर तक कर चुके हैं अभी हमने कुछ इकदाम लिए हैं इम्पोर्ट्स को कंटेन करने के लेकिन पच्चीस अरब डॉलर का हम ट्रेड डेफिसिट कर चुके हैं ऑलरेडी छः माह में और इसका मतलब होगा कि लगभग एग्जैक्ट नंबर तो स्टेट बैंक जारी करेगा लेकिन कहीं पौने नौ नौ अरब डॉलर के करीब करंट अकाउंट डेफिसिट थेमा में हो चुका है ऑलरेडी तो वो जो सारी कैंपेन थी कि हमें तो करंट अकाउंट डेफिसिट विरसे में मिला था बैक टू स्क्वायर वन वहीं पर हम आके एक दफा फिर खड़े हैं तो एक ब्रेक ले लें ब्रेक से वापसी पर और इश्यूज पर भी डिस्कस करेंगे हमारे साथ रहिएगा प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं एक तासुर ये बन रहा है इस्लामाबाद के अंदर कि हुकूमत को अपोजिशन से भी दबाव का सामना है और अपने इतिहादियों से और जमात के अंदर एक मखसूस ग्रुप से भी दबाव का सामना है बुनियादी वजह बताई जाती है महंगाई जो ऑफिशियल डेटा रिपोर्ट किया गया इन्फ्लेशन का पहले छः माह का दिसंबर के महीने का बारह अशारिया तीन फ़ीसद महंगाई की शरा में इजाफा हुआ और ये बततदरीज जिसमें इजाफा हो रहा है पिछले कुछ हफ्तों से वजह उसकी बेशुमार इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइस का भी इशू होगा लेकिन पाकिस्तान के अंदर डीवेलेशन और मिसमजमेंट उसने भी बेड़ागर किया हुआ ऊपर से हमने आई एम एफ़ की शरात के तहत एक बजट अनाउंस किया है जिससे खदशा ये है कि मज़ीद महंगाई का दबाव आएगा लोगों की ज़िंदगी में मुश्किल पैदा होगी वोडा साहब कितना संगीन मसला हो सकता है ये आपके लिए गोइंग फॉरवर्ड क्योंकि सूरत हाल लगता नहीं है कि बहुत काबू में आपके नदीम मलिक साहब देखें जैसे कि आज मैंने ट्वीट भी किया है और मैं इससे पहले भी आपके प्रोग्राम्स में और अदरवाइज भी बोलता रहा हूँ कि ये चाय की प्याली में एक तूफान है और ना हम पे कोई दबाव है ना हमें किसी चीज़ का डर है ना हमें किसी चीज़ का खौफ है हाँ हमें महंगाई का एहसास है ये फ़र्क है इस गवर्नमेंट को आ, हमारे लिए गवर्नमेंट में रहना और लोगों की आम लोगों की ज़िंदगी को बेहतर करना और उसको बेहतरी तरफ ले जाना ये हमारा अवलिन तरजीह है लेकिन हैविंग सेड दैट अगर आपके हम पे कोई प्रेशर है पी का तो मैं आपके आगे हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदा का वास्तव पी को बुला लें हम तो दो साल से इंतज़ार कर रहे हैं और पी में इतना दम होता तो फिर क्या बात थी अपोजिशन है का हमारे आगे Opposition अपने मसलों से निकलेगी तो कुछ करेगी ना ऑपोजिशन ने जो बेड़ा गरक किया मुल्क ये टैक्स लॉस किया बात करें जिस पर आप राइटली सो बिल्कुल ठीक ऑब्जेक्ट कर रहे हैं वो किसकी वजह से ये सिस्टम में थे या मैं जिंदगी भर से सिस्टम में था मेरी गवर्नमेंट जिंदगी भर से सिस्टम में थी आप लोगों को ये तो बताएं इनसे पूछे कंपेरिजन करें कि जी हमने हेल्थ कार्ड किया है जो बड़े बड़े

ऐसी मूव है अपोजिशन बेंचिस में मलिक साहब मैं आ, बड़ी साफ बात करने का आदि हूँ मैं समझता हूँ कि जो फैसल बात कर रहे हैं यहाँ तक तो वो दुरुस्त कह रहे हैं कि हमारे पर चार सालों में ना कोई दबाव था और ना इनको कोई परेशानी थी ये बात दुरुस्त है क्योंकि चार सालों में इनको लाने वाले ही इनको चलाते रहे लिहाजा इनको कोई परेशानी नहीं थी अब भी जो बात स्पीकर आप, कौमी कर हैं, के आप नो वो किसी दबाव में नहीं होंगे जब इनकी पार्टी किसी दबाओ में नहीं होगी इनकी पार्टी को दबाव में ला कर इनकी पार्टी से मराज सॉरी इनके अरकान असम्बली को दबाव में ला कर साथ रखा हुआ है इतादियों को भी दबाव में ला कर साथ रखा हुआ है अभी तक वो अम्ब्रेला ऊपर से हटी नहीं है मैं बिल्कुल क्लियर हूँ जहां तक खैबर पखतनखा के बलदियाती इंत तो आज चौधरी साहब ने कहा कि हम तो केस करते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ के नवाज शरीफ के वो गारंटर थे अटर्नी जनरल को हदायत भी देते हैं अदालत से रुजू करें और वापस लेकर आते हैं आप लोग दावेदार थे कि आपका कोई अरेंजमेंट हो रहा है आपकी जमात के अंदर तो बड़ी लुडियाँ थी या सादिक साहब के बयाना से तो यही तासर साहब ने आया था अब क्या हुआ पानी फिर गया उम्मीदों में अच्छा ये ये जो नाम आपने लिया है मुस्लिम लीग का जो लुडियाँ डालने वाले थे शायद वो बात आप कर रहे हैं किसी प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि मेरी मेरे चेहरे को देखें ए, बड़ा खिला हुआ चेहरा है तो ये बदक़िस्मती है कि जो पॉलिटिकल अप्रोच नवाज शरीफ के साथ रखने वाले लोग हैं और नवाज शरीफ जो स्टांस लिए हुए हैं वो मेरा और बाईस करोड़ आवाम का स्टांस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग का स्टांस है वो ये है कि हम ये चाहते हैं कि अम्ब्रेला किसी और अम्ब्रेला सिर्फ इसको बदकिस्मती कह हैं या याज सादिक के बयान को बदकिस्मती मैं, मैं साहब ने जो कहा उसको भी बदकिस्मती समझूंगा अगर वो दुरुस्त हो तो वैसे है नहीं ऐसा और मैं उस बात को भी बदकिसमती समझूंगा कि अम्बरेला या हाथ बकौल शेख रशीद साहब के के हमारे सर पर है मैं समझता हूं कि वो हाथ किसी के सर पर नहीं होना चाहिए वो हाथ जिस जगह आयन कानून कहता है उसके मुताबिक हाथ वहीं रहना चाहिए और फिर आप देखें पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा फिर आप देखें कि आयन कानून की बालादस्ती किस तरह होगी फिर आप बैठकर कर ये नहीं कहेंगे कि अठानवे लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर ने टैक्स किस तरह दिया उसकी आमदन क्या है फिर आप ये नहीं मुझे कहेंगे कि आप अपने आमदन के जरिया बताओ फिर आप ये नहीं कहेंगे कि एफ बी आर को पब्लिक करना चाहिए जो मैं आ, सलाना अपनी स्टेटमेंट देता हूं तो हर चीज क्लियर होगी मगर यहां तो ये यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है वो अदारों को अपने नीचे ये समझता है कि जो मैं हुक्म करूंगा वही काम उस तरह चलेगा मैं फैसल वाडर साहब आपसे पूछूंगा फवाद चौधरी साहब का बयान आज एक तरफ तो ये रिफ्लेक्शन है कि पोलिटिकल रियालिटीज़ जो है उसको आप काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ एक मूव भी हो सकती है आपकी जानब से गल टर्म में यहाँ लोकल अदालत वो लंदन पे तो असरअंदाज नहीं अंदाज नहीं होगी लेकिन लंदन को आप अप्रोच करें तो फिर उसका दबाव बढ़ सकता है क्या सूरत हाल क्या है क्या आप ला सकते हैं नवाज शरीफ को वापस अभी तक तो नहीं ला पाए और आपके कहे पे यूके गवर्नमेंट देखिए देखिए नदीम मलिक साहब सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए अल्लाह की ज़ात तो सब कुछ कर सकती है लेकिन पी डी एम या अपोजिशन के अंदर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है कि हम हमारा बाल भी बिका कर सके और ना ही कोई ऐसी मूव्स डिस्कशंस होते हैं चाय की प्याली में तूफ़ान आता है हंसी मजाक होता है ब्रेकिंग न्यूज़ चलती है और होता कुछ नहीं है नंबर एक नंबर दो ये कि हम परसू करेंगे बिल्कुल करेंगे कानूनी तौर पर करेंगे क्योंकि ये एफिडेविट मुझे और आपको नहीं सबमिट हुआ कोर्ट के अंदर सबमिट हुआ है और उस गारंटी

नदी मलिक साहब अगर किसी के दफ़्तर जाके कोई अपनी फरमाइशी प्रोग्राम रखे और दफ्तर से हस्तावा हुआ बाहर निकले चाय की प्याली पी कर या कॉफ़ी पी कर तो इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता और ये तो आपको पता है कि इनका एक हाथ पैर पे होता है दूसरा हाथ गले पे होता है तो जो जिस वक्त जिसका बस चल जाए तो आजकल तो गेट नंबर चार और गेट नंबर आठ और गेट नंबर ग्यारह से बहुत सारे लोग कुछ गुजरते भी उस जगह से कि कोई रोक ले कुछ कोशिश भी करते हैं कुछ चाय की प्याली भी पी लेते हैं कोई कॉफी भी पी लेते हैं कोई सरकारी बिस्किट भी खा प्याली अगर मिलने लग जाए तो, तो फिर आस बन जाती है ये जेन में साहब चाय की प्याली मिली है किसी को अभी तक अगर मिल गई है तो फिर आपके लिए फिक्र देखिए देखिए नदीम मलिक साहब हमारे मुल्क की रिवायत है कि दुश्मन को भी हम चाय की प्याली पिला देते हैं तो ऐसा नहीं है बद से बदतरी दुश्मन भी जब आ जाए तो आप उसको चाय की प्याली या पानी या बिस्किट या खाना ऑफर करते हैं ये हमारे मुल्क की रिवायत है हम रिवायती लोग हैं पाकिस्तानी जब आप बात करें तो रिवायतों तो हाँ को भी चाय की प्याली की ऑफर हो गई है फिर आपकी बात में एक चीज तो आ गई कि चाय की प्याली मिली है कुछ लोगों को नहीं 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 नदीम मलिक साहब मैंने नहीं कहा ऐसा कुछ भी इसको ऐसी खबर मत चलाइएगा मेरी गुजारिश आपसे ये की खुद मैं अगर आपके घर में जबरदस्ती आ जाऊँ घंटी बजाऊ और आपके हाथ पैर जोड़े कहूँ और आप मुझे अपनी दहलीज में बुला लें तो आप भी मुझे कहेंगे कि अब इस टाइम पे आए कुछ तो पी लो तो अगर उस पीने को मैं बाहर निकाले कहूंगा नदीम मलिक साहब आज के बाद जो है वो सब चीजें मेरे हिसाब से होंगी तो ये खुशफहमी है और अगर इनमें दम है तो ये मनी बिल आ रहा है ना आपको अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ये भी बाय फार क्लियर होगा जैसे सेनेट क्लियर हुआ था जैसे उससे पहले चीजें क्लियर होती जैसे उससे पहले असेंबली तो में चीजें पास आप लोगों ने तो मेरे ख्याल में मुलतवी नहीं कर दिया आज सर मुलतवी हो चले बारिश हो तूफान हो हमेशा की तरह अल्लाह की मेहरबानी से जैसे कहा है वैसे आज वैसे बिल के, तरह तरह बिल में। के हवाले से ये। तमाम अपोजिशन जमातों से मैं पूछ चुका हूं सबका ख्याल यही है कि वो इसको रोड़े अटकाने की कोशिश नहीं करेंगे इसलिए कोई भी अपने गले में डलवाने के लिए तैयार नहीं है इस मुश्किल चीज को स्टेट बैंक के लॉ के ऊपर आपको तो तो कन्फ्रंट करेंगे क्योंकि उसके मतलब साहब की राय यह है कि मुल्की मफाद के खिलाफ है आपको बैक ट्रैक करना पड़ेगा दो मुख्तलिफ चीजें हैं और आपको दोनों चैलेंजेस हैं वॉडर साहब आपके लिए निकलना आसान नहीं नदी मलिक साहब नदी मलिक साहब अल्लाह बड़ी बड़े बोल से बचाए इन आप देखेंगे पहले की तरह हमेशा आज भी आपको सुरखरू होते हुए निकलते हुए बायफार नजर आएंगे

असूली बात तो ये है कि जो पार्लियामेंट है इस वक्त इसमें अददी बरतरी है वक्त के पास और अगर नंबर इनके पास ज़्यादा ना हो तो यकीन हुकूमत इन इनकी ना रहे फिर अपोजिशन हुकूमत में आए जो आप आपदम अतमाद की बात कर रहे हैं मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा फैसल हों या बाकी वो लोग जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं मैं तो सबको कहूँगा कि सभी मोहब्बत करने वाले हैं मगर अपनी मजबूरियों को सामने ना रखें स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने से और ख़ास तौर पर आई एम एफ़ की मर्ज़ी से जो कवानीन ये लेकर आ रहे हैं इससे पाकिस्तान का दफा भी जो है वो सफ़र करेगा आप ये देखें कि कमर्शल बैंकों में मुझसे आप बेहतर समझते हैं और जानते हैं नदीम मलिक साहब मैं तो बिल्कुल ये टेक्निकल फाइनानस के हवाले से चीजों को ना समझता की कोशिश करेंगे जोर लगाएंगे उसके ऊपर या नहीं लगेगा यकीन तो ये, ये तमाम पाकिस्तानियों का जो पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी कर रहे हैं आवाम की सब पर लाजम है कि उस कानून को रोका जाए अगर आप कमर्शियल बैंकों में दफाई जो अकाउंट खुलवाने की बजाय आप स्टेट बैंक में खुलवाएंगे और वहाँ उनको जिस तरह मॉनिटर किया जा रहा होगा आप सफ़र करेंगे आपका दफाई जो पोजीशन है वो भी सफ़र करेगी और मुझे अंदेशा है नदीम मलिकाबा न खास्त ख़ुदा न खास्त जो हम एटमी कुत हैं उसको किसी तरह हम कंप्रोमाइज़ करने तक ना आ जाएं ये मैं ख़ुदा न खासा का लफज कह रहा हूँ इसलिए कि मैं बतौर पाकिस्तानी के समझता हूँ कि नदीम मलक का भी वो फ़र्ज़ है फैसल साहब का भी फ़र्ज़ है मेरे पर भी लाजम है कि हम पाकिस्तान को जिस मुआशी सूरत हाल से हम दो चार हैं उसका फ़ायदा दुनिया को ना उठाने दिया जाए बल्कि हम पाकिस्तान के मफाद में फ़ैसले करें यह हम गलत फ़ैसला करने जा रहे हैं अच्छा मैं एक आपको प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुनाऊंगा आप आपके ऊपर भी दोनों कमेंट करें इस्लामिक स्कॉलर से गुफतू करते हुए कुछ इश्यूज रेज़ किए हैं प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मुनासब तरीका तो इसका स्कॉलर से गुफगू भी ठीक है बुराई नहीं है उसमें लेकिन अपनी गवर्नेंस के अंदर उसका इजहार नज़र आना चाहिए जो हमें फ़िलहाल तो अपोजिशन पार्टीज़ को जेलों में बंद करने के अलावा उससे आगे बढ़ती बात नज़र नहीं आती करप्शन बड़ा इशू है लेकिन ये मैं टैक्स के नंबर कहूँ कि यह करपशन का सबसे बड़ा इजहार है तो प्राइम मिनिस्टर को इसको सीरियसली नोट करते हुए इसी पार्लियामेंट से आगाज करते हुए का करना चाहिए। उनका बयान स्कॉलर्स के साथ हैविंग इन पाकिस्तान देयर टू सॉर्ट्स ऑफ क्राइम्स इन द सोसाइटी वन इज करप्शन एंड क्राइम वी फाइंड क्राइम हैज risen very sharply in our society, which means rape as well as child abuse. and unfortunately, only 1% of uh, sex crime is reported. the other 99%, i feel the society has to fight it. same with corruption. you can, uh, you know, maybe deal uh, uh, corruption at a certain level, but then when government officials keep taking money, bribes at a low level, I feel that it is is again a game. a society has to make make corruption corruption unacceptable. And unfortunately, when you have leadership which is corrupt over a period of time, they make corruption acceptable. अब की इसी इंट्रैक्शन के अंदर उनके कादरी साहब भी नजर आ रहे हैं हमारे वीर तालीम शफकत महमूद साहब भी नज़र आ रहे हैं उनकी मैं टैक्स रिटर्न देख रहा हूँ तो नंबर उनका उनकी लाइफ से मैच नहीं करता शफकत महमूद साहब खासे खुश लिबास आदमी है वो कपड़े जो पहनते हैं मेरे ख्याल में इस टैक्स रिटर्न जो उनके नंबर हैं कम से कम उसके साथ वो मैच नहीं करते तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ फैसल वोडा साहब जहाँ प्रोग्राम आगाज़ किया घूम के बाद यहीं आ जाती है नैब को कहें कि आज वो पकड़ ले जावेद लतीफ़ को पकड़ ले किसी और को पकड़ ले इन्होंने करप्शन की होगी मुझे नहीं मुझे नहीं पता या नहीं भी की होगी तो तब भी मुझे नहीं पता इजहार तो नजर आना चाहिए इन टैक्स के नंबरों से द वे ऑफ़ गवर्नेंस जो है उसकी रिफ्लेक्शन होनी चाहिए कितना ट्रांसपेरेंट है आप लोग उससे पता चलना चाहिए वो तो नज़र नहीं आ रहा देखिए नदीम मालिक साहब जैसे मैंने शुरू में आपसे गुजारिश की थी कि आप जरूर इस बात को एम्फसाइज करें और ये बात होनी चाहिए लेकिन आप ये भी तो पूछे ना कि 35 साल से जो बार 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 अरबोपति बन के यहां निकल गए डॉलर्स में बिल्डिंगें और उनकी चीजें हैं उनकी कन्विक्शन क्या हुई और जिनकी कन्विक्शन हुई उस कन्विक्शन के बाद उनका क्या हुआ ये सवाल यहां से शुरू करें आप आप बिल्कुल गिरबान पकड़े आपके जो मशवरे सौ फीसद आपकी मानी बात कि बिल्कुल मशवरे इंफोसाइज करने चाहिए आपकी तरफ से भी करने चाहिए हमें भी आगे बढ़ के करने चाहिए और हम करेंगे लेकिन आप उसको तो पहले उस मुद्दे को तो लाए ना कि जो पैंतीस साल से जो राज हो रहा था जो यहां से एक्सपोर्ट हो रहा था पैसा जो यहां से एक्सपोर्ट हो रहे थे बच्चे जो बैरून मुल्क बिल्डिंग और दार के बेटों ने चीजें की हुई है उनका कोई समझौता होगा और मुझे आप क्या यह भी बताएंगे कि कन्विक्शन के बाद आप एक आदमी को एक हमदर्दी की बुनियाद पर जाने देते हैं और कोर्ट एक बॉन्ड या स्टैंप पेपर पर पे आपसे लिखवाती है और वो टाइम बाय फार पार हो जाता है नॉट वीक्स बट मंथ्स एंड मंथ्स मंथ्स एंड सो मंथ मंथ्सू स्टैंड तो सिस्टम ही करेक्शन तो वहां से शुरू करें बिल्कुल आप हमारे सिस्टम पे तंबी करें हमें क्वेश्चन करें हमें राय रास्त फैलाने के मशवरा दे लेकिन वो उसको कैसे जाने दे सकते इस टैक्स अ बिगर इशू राइट right नाउ या वो जो कन्विक्टेड लोग हैं जिनको बाहर गए जिनसे पैसे लेने हैं जिन दौलत वो लेनी है जो नैब को आ, मिया साहब की में वन, आ, सम रुपीस वापस करके में आके वापस ले लेते हैं वो सवाल शुरू होना चाहिए या कोई दस हजार की जगह दस रुपए दे रहा है इसको जरूर लें बट सेकेंडरी प्राइमरी इज जो यहां से चला गया है आगे नजर आ रहा है अगर आपको अगर आपको

अकाउंटेबिलिटी पैंतीस साल में क्या हुआ उसको भी छोड़ दे अपनी टेक्सट्रीज पब्लिक करेंगे टेक्सट्रीज के बाद, बाद फैसल वडा की टेक्सट्रीज पब्लिक करेंगे तो क्या उनकी पब्लिक नहीं करेंगे आप दोनों जमातों की तीनों चारों जमातों की जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है सर मुझे मैं तो मैं तो आपकी बात लोगों के सामने आएगी मैं तो आपकी बात को नदीम सिर्फ पहले, पहले फैसल इमरान खान के लिए नहीं होगा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी सबके ऊपर नहीं है बहुत बड़े हैं हम यू रिलानी सुनते थे उनको कोई हीरो का हार दिया गया था अर्थको एक के दिनों में और वो ले गए थे नवाज शरीफ साहब को सुना कि उनको गाड़ी मलिका मिडिल कोई गाड़ी आ गई थी अब अब प्राइम मिनिस्टर मौजूदा के ऊपर भी इल्जाम है कि तोशा खाना से गिफ्ट हैं

के बकौल इनके इनकेकूमते वक्त के कि हमने लूटा हम चोर डाकू लुटेरे जो भी इन्होंने कहा वो तवातर से हम आठ साल से सुनते आ रहे हैं मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा आज ये हकमत वक्त हैं इनके पास तमाम इख्तियारत हैं तमाम अदारे जो हैं इनके इशारे को समझते हैं भाई हमें तो छोड़ दें क्योंकि हम अदारों के ज़रिए इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं मैंने कोई चोरी की होगी लूटा होगा अदारा फिर जो मेरे साथ सलूक करेगा सही कर रहा है बुरा कर रहा है वो अपनी जगह मगर मुझे आज कोई ये बताएगा कि करप्शन इनके होते हुए क्यों बड़ी मुझे आज कोई ये बताएगा कि महंगाई इनके होते हुए क्यों बड़ी मुझे आज कोई ये बताएगा कि यह माफिया लतीफ साहब यहाँ खत्म करना पड़ेगा जावेद लतीफ साहब और फैसल वॉडा साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे आज के लिए इतना इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़